आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देव शनि एकादशी के व्रत की व्रत कथा क्या है। तो सभी प्रेमी धैर्यपूर्वक 2 से 3 मिनट का समय लेंगे, आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। बैठ जाइए, कोशिश करिए कि इस कथा को आप पूरे परिवार के साथ बैठकर सुन सकें, क्योंकि केवल सुनने मात्र से आपके सभी संकटों का, सभी कष्टों का निवारण देव शनि एकादशी व्रत की व्रत कथा कर देगी। प्राचीन समय में मेधांता नामक राजा अपने राज्य में राज करते थे। बड़े ही यशस्वी प्रतापी राजा थे, भगवान का साक्षात दर्शन किया करते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात उनके राज्य में भारी अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, जिस वजह से पूरी प्रजा परेशान थी, त्राही त्राही होने लगी। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने इसका कुछ उपाय सोचा, उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। एक दिन अपने सिपाहियों सहित वो वन की तरफ चल पड़े कि कहीं ना कहीं किसी ऋषि महात्मा के माध्यम से हम इसका उपाय ढूंढेंगे, कोई ना कोई बात हमें ज़रूर पता चलेगी। चलते चलते वो एक समय अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। श्री अंगिरा ऋषि के श्री चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और अपने दुख का, अपनी चिंता का कारण बताया। ऋषि ने कहा कि राजन, इसका समाधान तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कि हमें क्या करना पड़ेगा? तब श्री अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपके राज्य में एक शूद्र है जो तपस्या करता है, आप उस शूद्र को ख़त्म कर दीजिए, आपका सूखा दूर हो जाएगा। तब राजा ने कहा कि भगवान, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी भी भगवान के भक्त को गलती से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और आप तो उसे मारने की बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चाहे कितनी ही दुख दुविधा हो, मैं झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। मैं जीव हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लूंगा किसी भी प्रकार से। इतना सुनते ही श्री अंगिरा ऋषि प्रसन्न हुए और कहा कि ये आपकी परीक्षा चल रही थी, आप परीक्षा में पास हुए। अब ध्यान से सुनिए, जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देवशैनी एकादशी कहा जाता है। आप विधिपूर्वक देवशैनी एकादशी का व्रत करिए और विधिपूर्वक अगले दिन व्रत का पारण करके ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा के दान पुण्य करके भगवान से, श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करिए कि वो आपके राज्य में वर्षा करें, तो आपका यह सूखा दूर हो सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। देवशैनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखा गया, विधिपूर्वक व्रत खोला गया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया, गरीबों में दान दिया गया और सभी ने मिलकर भगवान से, श्री नारायण हरि से प्रार्थना की कि जल्दी ही उनके इस राज्य का सूखा दूर कर दिया जाए। तब श्री नारायण भगवान के आदेशानुसार इंद्रदेव ने अच्छी वृष्टि की, अच्छी बरसात की और फिर से उस राज्य में वही धन धन्य से पूर्ण हुआ। इससे ये हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि जो देवशैनी एकादशी है वो सभी के कल्याण के लिए है, किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं। राजा ने जो व्रत किया वो सभी के कल्याण के लिए था। इसी प्रकार आप भी इसी मान्यता के अनुसार और इसी मनोभावना के साथ व्रत कीजिए, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे कुटुंब को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। केवल सुनने मात्र से आपके कष्टों का निवारण है। तो इस वीडियो को सभी प्रेमी आगे से आगे फैलाते रहें और पूरे परिवार के साथ बैठकर सुनने की कोशिश करें, क्योंकि सुनने मात्र से आपको वास्तविक कथा का ही फल मिलेगा। ये कलिकाल का फल है। जय श्री श्याम।